तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। फिर उनकी पत्नी के साथ पूजा कैसे की जाती है? स्वाभाविक है कि यह सवाल हर किसी के मन में उठ रहा होगा, लेकिन जितना सच है कि वह ब्रह्मचारी थे, उतना ही सच यह भी है कि वह शादीशुदा थे। हनुमान जी का विवाह हो चुका था। सुनने में कुछ अजीब सा लग सकता है, लेकिन पराशर संहिता में एक संबंधित कहानी मिलती है। पराशर संहिता के अनुसार जब हनुमान जी सूर्यदेव के पास शिक्षा के लिए गए तो उन्होंने उन्हें 9 में से 5 विद्याओं का ज्ञान तो दिया, लेकिन 4 विद्याओं का ज्ञान नहीं दिया। हनुमान जी के पूछने पर सूर्यदेव ने कहा कि इन 4 विद्याओं का दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं शिष्यों को दिया जाता है जो विवाहित हों। तब सूर्यदेव के समझाने पर हनुमान जी विवाह के लिए राजी हो गए। जब हनुमान जी ने विवाह के लिए हाँ किया तो प्रश्न उठा कि उनके लिए सही कन्या कौन हो सकती है। तब भगवान सूर्य देव ने अपनी पुत्री सुवर्चला के विवाह का प्रस्ताव हनुमान जी के सामने रखा। सुवर्चला एक महान तपस्वी थी। सूर्य देव ने हनुमान जी से यह भी कहा कि विवाह के शुभ मुहूर्त के बाद उनकी पुत्री पुण्य तपस्या में लीन होगी और आप ब्रह्मचारी रहेंगे। ऐसा ही हुआ और विवाह के बाद सूर्य देव ने हनुमान जी को शेष 4 विद्याओं का ज्ञान भी प्रदान किया। हनुमान जी का उनकी पत्नी के साथ एकमात्र मंदिर तेलंगाना राज्य के खमंग जिले में स्थित है। यह एक प्राचीन मंदिर है जहां सैकड़ों वर्षों से हनुमान जी और उनकी पत्नी सुवर्चला की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो भी भक्त इस मूर्ति के दर्शन कर लेते हैं, उनके विवाहित जीवन में सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। यहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर में आप कैसे पहुंच सकते हैं। खम्मम से 99 किलोमीटर निकटतम हवाई अड्डा विजयवाड़ा है। खम्मम तक हवाई, रेल या सड़क मार्ग से पहुंचा जा सकता है। खम्मम से देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों के लिए नियमित ट्रेनें चलती हैं। खम्मम सड़क मार्ग से कई अन्य शहरों से भी जुड़ा हुआ है।